लेकिन सुभाष बाबू की चिट्ठी याद रखने में एक कारण तो बड़ा है कि वो तो हिंसा के पुजारी थे, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, इससे क्या हुआ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए, वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नकी विकार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब दोष कुछ न कुछ तो रहा ही है, तब से हमारे क्या करना। तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस को पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई लेती है उसको ले लेता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है मनुष्य के गुण है उसको मलाई की उपमा दी है वो ले लेना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। हमें क्या पता है कि किसको अवगुण कहें किसको गुण कहें, हम तो मनुष्य प्राणी ऐसे ही पड़े हैं। तो उसको याद कर, तो उसका बड़ा गुण तो क्या था कि देश का प्रेम था, वो प्रेम में वो चल जाने के लिए तैयार पड़े थे और उस प्रेम में उन्होंने ये समझ लिया कि हिंदुस्तान में जितने भी थे, जैसे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि क्या हो, उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। और उन्होंने तो करके बताया, एक बड़ी वो तो कोई बड़े लड़ने वाले तो नहीं थे लेकिन बड़े सेनापति बने और यहाँ इतनी बड़ी सल्तनत उसके सामने उन्होंने लड़ाई की। और उस लड़ाई में इस फौज में उनके साथ मुसलमान थे, पारसी थे, ईसाई थे, और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बंगाली ही है, उनमें न प्रांतीयता थी न कोई रंग भेद था न कोई जाति भेद था, सब के सब हिंदुस्तान के है वो हिंदुस्तानी है, ऐसा समझकर उन्होंने काम लिया। और पीछे सबके साथ एक सा रहते थे और वो सेनापति थे तो उनको ज्यादा चाहिए और दूसरों को कम, ऐसा नहीं था, तो उनके उनको कहाँ धर्माया कुछ भी नहीं था, ऐसे थे। तो उनका स्मरण तो हमेशा हम रख सकते हैं और स्मरण रख के पीछे जो हमारे में द्वेष भाव भरा है इसको हम भूल जाए।